हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। और यहाँ पर फ्यूचर अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। रियल मी डिवाइसेज में जो फ्यूचर अपडेट्स आने वाले हैं, रियल मी 3 पे को स्पेसिफाई करूँगा। मैंने यहाँ पर आस्क माधव एपिसोड देखा है जो लेटेस्ट वाला है, तो आप भी जाके रियल मी का यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में और आस्क माधव एपिसोड देख सकते हैं। नए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह से कर लो, बेल आइकन को दबा लो, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो पहले यहाँ पर जो है स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप के बारे में बात करते हैं। पहला जो उन्होंने कहा यहाँ पर, जो फ्यूचर अपडेट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप है वहाँ पर आपको इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं मिलती है। मान लीजिए आप किसी भी गेम का गेम प्ले डालना चाहते हैं एज ए वीडियो, पबजी का ही पकड़ लेते हैं, यहाँ पर पबजी अगर आप साउंड रिकॉर्डिंग, इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी जो स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप है उसमें, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर गेम प्ले डालना चाहते हैं, इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग नहीं है तो इट्स अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अलाउ साउंड रिकॉर्डिंग का तो ऑप्शन मिलता है लेकिन इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो फ्यूचर में आपको बहुत जल्द ये वाली अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है और डिवाइस भी स्पेसिफाई नहीं किया है। मुझे लगता है सारे डिवाइस में आपको ये इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग वाली ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगी। अब जो नेक्स्ट अपडेट के बारे में उन्होंने कहा, जो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा बैटरी परफॉर्मेंस में, वो है सिस्टम वाइड डार्क थीम, डार्क मोड भी कह सकते हैं। ये अब MIUI में आ चुका है, तो ऑब्वियसली आपको डिस्प्ले में जाके एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा डार्क मोड का। अभी तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा, इसका भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है। और फॉन्ट्स के बारे में उन्होंने कहा, तो फॉन्ट्स तो अभी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है फॉन्ट्स के बारे में, तो वीडियो का लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो फॉन्ट्स के बारे में उन्होंने ये कहा कि जो थीम ऐप है वो अभी भी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आने हैं, बहुत ज़्यादा थीम्स वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, और साथ ही में आपको फॉन्ट्स का भी सपोर्ट जो है थीम ऐप में ही देखने के लिए मिलेगा। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कौन से वाले अपडेट में आया, तो मोस्ट प्रोबेबली जो थर्ड क्वार्टर वाली जो अपडेट आएगी, इतना ही उन्होंने कहा कि आपको देखने के लिए मिलेगा, और कौन सा डिवाइस को मिलेगा ये स्पेसिफाई उन्होंने नहीं किया है। अब एक जो चीज़ उन्होंने स्पेसिफाई की अपने वीडियो के दौरान वो ये थी कि जो ये जो कैमरा आप देख पा रहे हो रियल मी 3 प्रो में, तो ये एक नया उनका जो है सिस्टम, मतलब जो UI है, जो इंटरफेस है उन्होंने चेंज किया है कैमरा का जो इंटरफेस है। तो इस तरह का इंटरफेस आपको रियल मी U1 में और रियल मी 1 में भी देखने के लिए मिलेगा। अब कैमरा में एक जो इम्प्रूवमेंट आएगी वो है टाइम स्टैम्प आपको देखने के लिए मिलेगा। वाटरमार्क तो मिलता है, फोटोग्राफर का नेम आप चेंज कर सकते हो, ये सेटिंग्स में मिल जाता है, लेकिन टाइम स्टैम्प कहीं पर भी नहीं है। टाइम स्टैम्प आपको पता ही होगा किसके बारे में बोल रहा हूँ, दूसरे ब्रांड्स के मोबाइल के कैमरा ऐप में होता है। तो डिटेल्स में जाके तो आप टाइम देख सकते हो कब ली गई है, ये जो लोकेशन देख सकते हो, टाइम देख सकते हो, लेकिन ये टाइम स्टैम्प फोटो में नहीं आती है क्योंकि यहाँ पर अलग से कुछ ऑप्शन नहीं है। तो फ्यूचर अपडेट में ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड अगेन यहाँ पर कोई डिवाइस स्पेसिफाई नहीं है, सारे डिवाइस में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और नेक्स्ट जो अपडेट है मेरे ख्याल से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है स्क्रीन ऑन टाइम के बारे में। तो सेटिंग्स में बैटरी में आपको स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए नहीं मिलता है। इंडिविजुअल कौन सा ऐप कितना बैटरी कंज्यूम कर रहा है वो तो देख सकते हो, लेकिन स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिल रहा है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि उन्होंने कहा जो है थर्ड क्वार्टर यहाँ पर स्पेसिफाई किया कौन से डिवाइस। मुझे लगता है सारे डिवाइस को ऑब्वियसली मिलेगा, तो थर्ड क्वार्टर में आपको ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर स्पाइडरमैन थीम के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो स्पाइडरमैन थीम आपने देखा होगा रियलमी X जो है रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो वहाँ पर स्पाइडरमैन एडिशन में आपको स्पाइडरमैन थीम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर छोटा सा आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको स्पाइडरमैन थीम, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और ये मुझे लगता है सब रियलमी डिवाइस को जहाँ पर थीम ऐप है वहाँ पर वो जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जो है बात बोलनी पड़ेगी उनको। ऑब्वियसली नेक्स्ट जो आस्क माधव वाली एपिसोड आएगी तब वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कम्युनिटी ऐप में, तो वहाँ पर उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो बना के, तब आप वहाँ पर जो है थीम की, ये वाली थीम की डिमांड कर सकते हैं, आपको शायद ये वाली थीम फ्यूचर अपडेट्स में देखने के लिए मिले अपने रियलमी डिवाइस में। तो आप हमें कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बता सकते हैं कि आपको स्पाइडरमैन थीम चाहिए कि नहीं, कैसा लगा आपको वीडियो वो भी बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।